मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर और वीलॉगर हिना दानियाल मलिक की मौत कैसे हुई। मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर और वीलॉगर हिना दानियाल मलिक की अचानक मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वाकयात और हादसात के हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहन हिरा अनीस ने हिना दानियाल मलिक की अलमनाक मौत के हवाले से एक वीडियो पैगाम में असल तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि हिना दानियाल मलिक को 8 जून को घर में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनके शौहर की फ़ोन कॉल आने पर वो अचानक बहन के घर पहुंची तो देखा कि वो बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। वो बोल नहीं पा रही थी, इशारों से अपनी तबीयत की खराबी का बताया। उनके जिस्म के कुछ हिस्से मफलूज हो गए थे, उनके एक हाथ ने काम करना छोड़ दिया था और जबड़े टेढ़े हो चुके थे। हिरा अनीस के मुताबिक वो फौरी तौर पर बहन को उनके शौहर के हमरा न्यू टाउन के करीब वाक़ निजी अस्पताल लेकर गई, जहाँ एमरजेंसी में मुख्तलिफ डॉक्टर्स काफ़ी देर तक उनका मुआयना करने आते जाते रहे। बाद अज़ा एक लेडी डॉक्टर ने हिना दानियाल का सीटी स्कैन कराने का कहा, जो फौरी तौर पर करा दिया गया। खातून के मुताबिक अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। ट्रेनी अमला सीनियर डॉक्टर्स को व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट्स भेज रहा था और मशवरा ले रहा था, जिसके बाद सीटी स्कैन के अमले ने उन्हें बताया कि हिना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उनके दिमाग का इंतहाई हसास ऑपरेशन होगा, जिसके लिए फौरी तौर पर 11 लाख रुपये काउंटर पर जमा कराने को कहा गया। हिरा अनीस के मुताबिक वो नॉर्मल हालात में अस्पताल गए थे और इस कदर खतीर रकम अचानक जमा कराना मुश्किल था। उन्होंने हाथ पांव मारकर 5 लाख से ज़ायद रकम का बंदोबस्त कर लिया और जमा कराने का कहा तो अमले ने मना कर दिया कि पहले पूरी रकम जमा कराएं, उसके बाद ही सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए आएंगे। खातून ने कहा कि रात गए अचानक इतनी ज़्यादा रकम कहां से और कैसे हासिल करते, वो परेशान हुए और हिना मलिक को निजी अस्पताल से लेकर गुलशन इकबाल में एक और निजी अस्पताल ले गए, मगर उस वक्त तक काफ़ी ताखिर हो चुकी थी। हिना दानियाल को पहले इंतहाई निगहदाश्त के खसूसी शोबे में दाखिल किया गया, जिसके बाद मज़ीद तबीयत ख़राब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया। इंतहाई तकलीफदह सूरतहाल के बाद वो 11 जून की सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई। उन्हें सखी हसन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हिना की बहन ने डॉक्टर की शकील कल्बी और बेहिसी पर अफसोस का इजहार किया। ख्याल रहे कि हिना दानियाल मलिक एक मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर और वीलॉगर थी, जो बाज़ारों, मॉल्स, रेस्टोरानों और दीगर मुख्तलिफ मकामात के हवाले से लोगों की रहनुमाई के लिए जानी जाती थी। वो मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर कपड़ों और दीगर अशिया पर तजिये करती थी। उसके नतीजे में हिना दानियाल मलिक को बहुत से लोग पसंद करते थे और उनके यूट्यूब चैनल पर 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। हिना मलिक ने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मजबूत मौजूदगी बरकरार रखी, जहां वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अपडेट्स शेयर करती थी।